President Dava, Mrs. Archana Pandey, Ma'am, आज ये अभिव्यक्ति season 2 के उपलक्ष्य में हमारे शहर जयपुर में पधारे हैं और आप लोगों का अगर अभिव्यक्ति season 2 को लेके कोई सवाल है तो प्लीज अपना नाम और मीडिया हाउस बता के प्लीज इसको पूछें। मैं गोपाल चतुर्वेदी, दैनिक प्रज्ञोति न्यूज़पेपर। अभिव्यक्ति season 2 को जयपुर लाने की खास वजह? पिछले साल सबसे पहली बार इस तरह का प्रोग्राम दिल्ली में हुआ था, वो हमारा सबसे पहला एवर इन आवा या आर्मी फैटर्निटी में। उस समय हमें ऐसे लगा बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, बट कुछ समय की वजह से, कुछ दूसरे कंस्ट्रेंट्स की वजह से हमारी दूसरी जगहों से लेडीज़ उतना नहीं पार्टिसिपेट कर पाई थी। तो फिर एक विचार आया कि हम इसको पूरे पैन इंडिया कैसे कर सकते, तो फिर हमने डिसाइड किया टर्न बाय टर्न हमारी हर कमांड में ये हर साल एक एक बार हम करेंगे। सो दैट वाज द थॉट बिहाइंड इट। मैडम, आप तो पहला दिन ही है, आपको क्या अंतर महसूस हुआ वहाँ दिल्ली में और यहाँ पे? अभी तो क्या दिन भी नहीं हुआ। हाँ जी, जैसे अभी ये हमारा सेकेंड ईयर है, तो हर साल हम पिछले साल से टू मेक इट बिगर एंड बेटर, यही हमारी कोशिश रही है। और पिछले साल जो ये पहला प्रोजेक्ट हुआ या पहला इवेंट हुआ, उसमें लेडीज़ को भी पता लगा कि उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी मच बिगर एंड आई हैव नो डाउट्स। एंड इसीलिए हमने वेन्यू भी बाहर का चुना है, क्योंकि अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, सारे आ नहीं पाते, तो यहाँ सिविलियंस भी अब उतने ज़्यादा तौर पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे या विजिबिलिटी मिल पाएगी हमें। अभिव्यक्ति, क्योंकि पिछले एक दो सालों में हमने कोविड के चलते और कुछ ज़्यादा इसका हमें मतलब एक्सपीरियंस हुआ कि जब फ्री टाइम होता है घर में, हम सब मतलब बुक्स हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। जो कुछ आजकल टेक्नोलॉजी के चलते थोड़ा सा बैकसीट हो रहा है पढ़ना लिखना, तो जो हमारी बहुत सारी लेडीज़ बड़ी प्रतिभाशाली है, जिनको कई बार मौका नहीं मिलता है बिकॉज हमारे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कंटिन्यूटी नहीं होती है, कई रीजंस होते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें प्लेटफॉर्म मिले और उनको दूसरों से, इनफैक्ट बाहर के वर्ल्ड से भी हम स्पेशल गेस्ट बुलाते, उनसे रूबरू करने का भी मौका मिलता है, तो एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। और उनका भी जो होता है अपना काम, उनकी प्रतिभा लोगों तक पहुँचाने का एक जरिया है। बट मैं सोचती हूँ बुक्स या लिखना या बुक्स ऐसे है कि ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकता है। मीडिया टेक्नोलॉजी ठीक है, टाइम के चलते वी हैव टू कीप पेस विद द चेंजिंग वर्ल्ड, और वो हम कर भी रहे हैं कई चीज़ों में, बट मुझे नहीं लगता बुक्स कभी पुरानी या ओल्ड फैशन हो सकती है। जैसे आप कहीं भी टेक्नोलॉजी के कुछ आई थिंक कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं हमारे, स्पेशली आर्मी के साथ, जहाँ दूर दराज, आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्दर्न सेक्टर्स में कई बार कनेक्टिविटी इज स्टिल अ इशू बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजंस, तो ऐसी जगह पर आई थिंक बुक्स, पेन इज ऑलवेज देयर, पेन एंड पेपर। तो वन लास्ट क्वेश्चन पूर्वा फ्रॉम माय फ्रेंड। हाय मैम, आई वुड लाइक टू नो कि आवा का जो लिटरेचर फेस्टिवल है, हाउ दिस इज बेनिफिशियल फॉर सुपर बुक्स? ऑफकोर्स इट इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म एंड देयर इन नाउ यू योर सेल्फ आर सीइंग दे आर गेटिंग अ यू नो टू इंटरेक्ट विद पीपल फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एज वेल, and technology of course has taken it much ahead, so I think it's a wonderful opportunity for them to showcase their talent. Last Anmol Singh Chahan, TMT News से, आपको जिस तरीके से ये साहित्य संबंध देखे आ रहे हैं एक आर्मी को मोबाइल सर्व के लिए, तो इससे एक साहित्य को भी बढ़ावा मिलेगा, अलग अलग जो कंट्रीज के जो ऑल ऑफ ऑफिसर्स होते हैं तो हर क्षेत्र का एक कम्युनिकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा आगे नेक्स्ट आपकी और ऐसी कौन सी प्लानिंग है जिससे कि उनको कुछ और अचीवमेंट जो हासिल नहीं कर पा रहे तो उनको और मिले, तो इसके लिए क्या प्लान?
एक्चुअली लिखना तो एक ज़रिया है, दूसरा आजकल टेक्नोलॉजी के चलते आपने देखा ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे इसमें भी हम अभी एक्टिव हो गए हैं। पहले हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस होते थे, पर आजकल आवा ने उस पर भी अपना विजिबिलिटी आ गई है। दूसरा मैं सोचती हूँ हमारी जो लेडीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है आजकल, पहले जैसे नहीं रहा है, टाइम्स चेंज हो रखी है। इवन जवान्स की वाइफ्स, ऑफिसर्स की वाइफ्स खुद पहले से ही इतनी अकम्प्लिश्ड है, बस उनको पहचानना और उनको एक प्लेटफॉर्म देना, ये मात्रा आवा का भी इम्पॉर्टेंट काम है जो हम कर रहे हैं। इसी तरह हमने बीच में एक अस्मिता नाम से एक प्रोग्राम किया था जिसमें टेड टॉक की तरह हमने लेडीज़ ने अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। जैसे अभी एक इधर चल रहा है एक बुक का डिस्कशन विद यू नो जिनके ऊपर ये बुक लिखी गई, तो बाहर की वर्ल्ड को हम ये भी बताना चाहते हैं कि आमी वाइफ्स किस किस चैलेंजिंग सिचुएशंस से निकलती है। सो ये एक ज़रिया है लोगों को आमी जो यूनिक वे ऑफ लाइफ है उसके बारे में बताना, क्योंकि अभी तक जैसे मूवीज़ में इधर बहुत डिफरेंट पिक्चर प्रोजेक्ट किया जाता था, उसको छोड़ के भी आमी वाइफ्स और आमी लाइफ में बहुत कुछ है जो बाहर दुनिया को बताने। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।